डोलन के राखो प्रभो नानक देखे हाथ ओ शांत। हमारा मूल सिद्धांत जिसका उल्लेख प्रवचनों में भी लिखित रूप से भी आश्रम में भी और कहीं भी हो हमारा केंद्रीय विचार जिसके इर्द गिर्द जीवन घूमता है वो है मोहब्बत की दुनिया में सब कुछ उसी है। मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं। प्यार ये सब कुछ है। प्यार इस अस्तित्व की दिव्य आकर्षण ऊर्जा ये प्यार किस स्तर का है इसका पता हमें उन शब्दों से लगता है जिन शब्दों में से होकर प्यार अभिव्यक्त होता है और इस प्यार में कितनी गंभीरता है कितनी पवित्रता है कितनी अखंडता है इसका पता उस चेतना से लगता है जिस चेतना से होकर यह प्यार अभिव्यक्त होता है। नानक मीरा कबीर नाम देवादि ये प्यार के स्तर को भी और प्यार की पवित्रता को भी सहज बनाए हुए हैं क्योंकि इनके जीवन में सहजता से वही प्यार है जिसमें कोई वासना नहीं जिसमें अपने सुख की कोई कामना नहीं और वो प्यार जो महा करुणा को जन्म दे जिसमें सभी के लिए जो भी आपत्ति में है या दुखी है उनके लिए शुभकामनाएं दी जाती। इस प्यार के संबंध में मुझे एक घटना याद आ रही है अपने जीवन की। आज से कोई 16-17 वर्ष पहले की बात होगी कि मैं दिल्ली से अम्बाला की ओर जा रहा था अपनी कार पर। सुबह के दिनों में गर्मियों के दिन थे संभवतः 5-5:15 बजे। जाते चलते हुए मन में आया कि कोई ढाबा हो तो चाय पी लूं। मन में ये विचार आना ही था कि थोड़ी देर में गाड़ी में चलाते हुए सामने सड़क से हटकर ढाबा नजर आ गया और 3-4 लोग कुर्सियों पर बैठे हुए चाय पीते हुए भी नजर आए। मैंने भी गाड़ी उधर को कर ली। वहां ट्रक खड़े थे 2-3 तो मैंने भी जो जगह थी जहां उस ट्रक के साथ एक ट्रक के साथ अपनी कार लगाई। जब मैं खिड़की खोल के कार की बाहर निकला तो ट्रक का वो हिस्सा जो मेरी तरफ था उस हिस्से में कुछ लिखा हुआ था जिसे पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ। और ट्रक के उस हिस्से में लिखा हुआ था
क्या हीरत है, क्या सूरत है, मां ममता की मूरत है, क्या हीरत है। हीरत स्वभाव को कहते हैं, क्या सुंदर स्वभाव है, और सूरत शक्ल को कहते हैं, क्या सीरत है, क्या सूरत है। मां ममता की मूरत है, छुए और काम हुए, अम्मा एक महूर्त। लिखने वाले का आशा इतना ही था कि किसी भी काम के लिए किसी तरह के किसी महूर्त को पूछने की जरूरत नहीं, माँ के पांव छूकर काम के लिए निकल पड़ो, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिले। ये लिखने वाले के शब्द ही नहीं, ये उसका अनुभव था, ऐसा इन शब्दों से ही टपक रहा था। क्या सीरत है, क्या सूरत है, मां ममता की मूरत है, पांव छुए और काम हुए, अम्मा एक माहौलत। ये पढ़कर मैं उस ट्रक के पीछे से उधर जाने लगा जहां बैठ के चाय पी रहे थे। तो जब मैं ट्रक के पीछे पहुंचा तो पीछे लिखा हुआ था, मैं आ नहीं सकता हूं बलाओं के असर में, मेरी मां की दुआएं हैं मेरे साथ सफर। बड़े विश्वास के साथ अत्यंत उच्च कोटि की आस्था के साथ ये बात कही गई है। लिखा हुआ था कि मैं किसी भी तरह की किसी भी परेशानी में कभी आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इस सफर में मेरी मां की दुआएं, मेरी मां का आशीर्वाद, मेरी मां की ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थनाएं, वो सब मेरे साथ। मैं आ नहीं सकता हूं बलाओं के असर में, मेरी मां की दुआएं हैं मेरे साथ सफर। बढ़िया बात नजर आती, पीछे से निकलकर फिर ट्रक की दूसरी साइड से होकर सामने चाय पे जाना था। जब ट्रक की दूसरी साइड पे गया तो उधर लिखा हुआ था, मेरी मस्जिद में जो रहता है खुदा भूला नहीं, मेरे हक में जो हुई थी वो दुआ भूला नहीं, आप चलते हो मेरी आंखों की उंगली थाम कर, मैं अंधेरों में भी अपना रास्ता भूला नहीं। मां को कह रहा है, कितनी भी मुसीबतें आई, कितने भी अंधेरे जीवन में आए, लेकिन मां मेरी आंखों में तुम थी, आंखों में कभी अंधेरा नहीं आया, उन अंधेरों में भी उजाला रहा, बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी आशा की किरण जीवत रहे, मैं देखता रहा मां, तो उन अंधेरों में आकर भी मेरे से कोई गलत काम नहीं हुआ कि मैं किसी तरह किसी से पैसे लेकर
या किसी को पैसे देकर अपना काम करवाऊं, ऐसा नहीं। मेरे काम स्वयं ईश्वर ने किए हैं और माँ की दुआओं की वजह से किए। इस तरह से ये भी था। और फिर मैं उन चाय पीने वालों के पास बैठा, मैंने पूछा ये ट्रक किसका है, तो एक ने बताया ये ट्रक मेरा। वो 32-34 वर्ष का होगा या 40 वर्ष का हो। बातचीत करने पर पता चला कि उसका नाम अफजल है, वो मोहम्मदन है और वो खंडवा में रहता है। उसकी माँ है, उसकी पत्नी और बच्चे हैं, और वो ये भी पता चला कि इस बच्चे का बाप ट्रक यूनियन में ट्रकों में ग्रीस लगाता था ट्रक के नीचे लेट लेट कर, और वो ट्रक के नीचे दबकर ही उसकी मृत्यु हुई। उसके अचानक मृत्यु के बाद ट्रक यूनियन के लोगों ने इस बच्चे को अपना लिया। ये बड़ा हुआ थोड़ा तो सब ने बैंक से कह देकर लोन लेकर इसको ट्रक ले दिया। वो अपना ट्रक चला रहा है, लोन उसने उतार दिया है और बहुत आराम से अपनी मां के साथ अपने घरों में रह रहा। मैंने उसे पूछा ये किसने लिखे हैं शेर, तो उसने कहा कि मैंने ही लिखे, मेरे ही मन के भाव। उससे मुझे वो और बहुत अच्छा। मैंने कहा कुछ और सुनाओ इस संबंध में, तो बैठे बैठे उसने कहा रोग के रिश्तों की इन गहराइयों को देखिए, रोग के रिश्तों इन गहराइयों को देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है मां। कब जरूरत हो मेरे बच्चों को ऐसा सोचकर जागती रहती है उनकी और सो जाती है मां। घर गए हैं आफ्तों में जब कभी परदेश में, आंसुओं को पूछने सपनों में आ जाती है मां। बदला तो इसकी मोहब्बत का दिया जाता नहीं, मरते मरते भी तो आप जीने की दे जाती है मां। मां के प्यार से बढ़कर दुनिया में और कोई प्यार नहीं मिलेगा जो बेशर्त सभी प्यारों की स्वास्थ्य। बाप भी प्यार करता है बच्चों से, लेकिन बाप साथ में ये भी पूछता है कि ये बच्चे का क्या है। अगर कोई ठीक काम नहीं करता तो बाप उसको प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मां के साथ ये बात नहीं। मां ये नहीं देखती कि ये क्या करता है और क्या नहीं करता। मां तो अपने बच्चों से प्यार करती ही, वो जैसा भी हो जिस तरह, यहां तक कि मां को अपने बच्चों के अवगुण नजर नहीं आते। उसमें कितनी ही बुराइयां हो मां को नजर नहीं आती, मां को उसमें अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आती। अंग्रेजी के एक लेखक स्मिथ ने मां की इस भावना को
डिवाइन फुलिशनेस ऑफ वुमेन। डिवाइन फुलिशनेस का मतलब है दैवी पागलपन। माताओं में ये दैवी पागलपन है कि अपने बच्चे की बुराइयां नजर नहीं आती, अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आती। ऐसा सोच कर ही हमारे शास्त्रों में भी ये बात कही गई कि कहोत्रो जाएत क्वचित अभी कुमाता न भवती। ये तो संभावना है कि पुत्र से कोई कपुत्र बन जाए, लेकिन मां से कोई कुमा बनी हो आज तक ये उदाहरण नहीं। मां हमेशा मां ही रहती है और मां के पास हमेशा बेटों के लिए बच्चों के लिए स्वायत्त प्यार की और कुछ नहीं। मां के प्यार के बदले में तो जैसे ये अफजल है, अफजल ईश्वर के प्यार को भी महत्व नहीं दे रहा। वो कह रहा है मां का प्यार ही हर एक वस्तु इसी में समाई है, ईश्वर भी इसी से ही खुश हो जाते। क्योंकि शास्त्र का कहना है यत्र नारियर तो पूजन्ते रामन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों की पूजा होती है, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता स्वयं रमन करते, वहां देवता उससे घूमते, हर तरह की सुविधा देवता वहां पर कर देते। जहां पर भी मां का प्रेम हो, मां के प्रेम पर अफजल तो कह ही रहा है कुछ, उसके मां के प्रेम के को देखकर मेरे मन में अफजल के प्रति प्रेम जागृत हुआ। और मैं जीवन में 3-4 बार खंडवा में उसके घर पर उससे मिलने भी गया, उसको और उसकी मां। खंडवा में एक स्थान है उसको धोने वाला बाबा जी का स्थान बोलते, वो धोने वाले बाबा जी में वो एक कमरा ले देते थे मुझे रहने के लिए। रात को मैं वहां रहता था, सामने ही बहुत शुद्ध वैष्णव भोजनालय था, लेकिन वहां से भोजन लाता अफजल ही था, मैं भी खाता था और वो भी वही बैठ के खा लेता। इस तरह से अफजल से मेरा प्रेम बना रहा। ईश्वर की इच्छा के कुछ बीमार रहकर उसकी माता का देहांत हो, उसकी माता के मरने पर और उसको जमीन दौर करने के समय पर मैं खंडवा में गया था और मां को अंतिम विदाई दी। विचित्रता या ईश्वर की इच्छा, मां के जाने के 15-16 दिन बाद अफसर भी चला, तो अफसर भी गया, मां भी गई। बस बाकी ये कहानी रह गई जो मैं आपको सुना रहा हूं। प्यार की अफसर इसमें पूरा ये इष्ट नहीं आसान। ऐसा ही ना समझो, एक आग का दरिया है और डूब कर जा रहा हूं। तो ये प्यार
विशेषकर जैसे आज हमने मां के प्यार की बात की और ये भी आपको बताया कि बाकी जिस किसी का भी प्यार होगा, भाई का प्यार, पत्नी का प्यार, पिता का प्यार, चाचा, ताऊ, मामा, नान, आज सब रिश्तेदारों के अलग अलग प्यार जो आदमी को मिलते हैं उनमें कोई ना कोई स्वार्थ होता है या किसी ना किसी उसकी विशेष बात की वजह से उसकी प्रशंसा करती है। बस मां का प्यार ही कैसा है कि मां को बच्चे में किसी विशेषता की जरूरत, वो बच्चे में प्राकृतिक तौर पर ममता से भर जाए, उसी से प्यार करते। इस प्यार की बहुत सी परेशानियां भी हुई व्यवहार में, लेकिन कुछ भी हो, जैसे इसको माताओं की दैवी मूर्ता कहा गया, ये मूर्ता भी है और दैवी भी, पुरुषनेस भी है लेकिन इस पुरुषनेस में डिविनिटी भी, तो डिवाइन पुरुषनेस ऑफ मदर इस प्यार को कहा जाता है जिसमें माताएं पूरी तरह से मोह में भरकर, ममता में भरकर बच्चों से प्रेम करते, उसमें वासना रहित प्रेम नहीं है और वो कामना रहित भी नहीं। मां कुछ चाहती भी नहीं बच्चों से कि ये इस तरह से कुछ दे, वो चाहती भी नहीं, लेकिन फिर भी उसका प्यार वासना से रहती है। तो मां को हमेशा नमस्कार करो, मां को प्रणाम करो, मां की आराधना के लिए हमारे शास्त्रों में शक्ति की पूजा, नव दुर्गा की पूजा, शक्ति के रूप में उसके नौ रूप माने गए, शैलपुत्री से लेकर दुर्गा तक अलग अलग रूपों में ऊर्जा की अभिव्यक्ति, शक्ति की अलग अलग रूपों में अभिव्यक्ति को ही शक्ति पूजा कहा गया। तो हर हालत में मां का प्यार अपने आप में एक अलग निविदा है, दूसरों से हटकर है और निस्वार्थ